व्हाट्सएप तो हम सभी लोग यूज करते हैं, आप भी यूज करते ही होंगे ना। और जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हैं तो उस मैसेज का कलर क्या होता है? काला। पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा, राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कविराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले, एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। वैसे काले कलर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे भी काला कलर काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए यहाँ पर मैंने काले कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। बट अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पर जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो ब्लैक कलर में ही दिखाई देता है, बट आप चाहो तो उसे कलरफुल बना सकते हैं। और यकीन मानो यार, अगर आपने ये वाली ट्रिक अपने व्हाट्सएप पे यूज की तो कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप को देखकर चौंक जाएगा, और ये दिखने में भी काफी कूल लगती है। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे हैं। तो पहले तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस ऐप का नाम है Z Font 3। और अगर आपके पास Samsung, Vivo, Oppo, Huawei, Realme, Techno जैसे स्मार्टफोन है तो ये ऐप आपके स्मार्टफोन में काफी स्मूथली वर्क करेगी। अगर कोई दूसरा डिवाइस है तो काम करेगी, बट कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, मतलब ये ऐप वाले नहीं दे सकते। अब इस ऐप को यूज करना भी काफी आसान है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन देनी होगी, सारी परमिशन दे दें। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले ही आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप सारे कलर फॉन्ट को देख सकते हैं। इसके बाद इमोजी है, जैसे कि अगर आप आईफोन के इमोजी यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। कुछ स्टाइलिश फॉन्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हम कलरफुल की बात करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कलरफुल फॉन्ट है वो आपके सामने जाएंगे। इसके बाद बड़ा ही सिंपल है, फॉन्ट पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अप्लाई करें और चेंज फॉन्ट पर क्लिक करें। अब अगर आपके डिवाइस में थीम स्टोर है तो वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको फॉन्ट की कैटेगरी में जाना है और राइट साइड पर आपको लोकल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्लिक करें, लोकल फॉन्ट में जाएं और कस्टम जेड फॉन्ट पर क्लिक करके इसे अप्लाई कर दें। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले तो आपके पूरे डिवाइस के फॉन्ट चेंज हो चुके हैं। अब आप कहीं पर भी कोई भी मैसेज कैसा भी कर दो, मतलब सब कुछ कलरफुल ही होगा। चाहे आप व्हाट्सएप पर करें, फेसबुक पर करें, कहीं पर भी करो, सारे फॉन्ट आपको कलरफुल ही दिखाई देंगे। और बाय चांस अगर आप पुराने फॉन्ट को वापस लाना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको ऐप के राइट साइड पर तीन डॉट दिखाई देंगे, आप यहां पर क्लिक करें, रिसेट डिफॉल्ट फॉन्ट पर क्लिक करें, चेंज फॉन्ट पर जाएं और वापस से वही आपका थीम स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। लोकल में जाएं और यहां पर लोकल फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर क्लिक करके अप्लाई करें। हो सकता है कि कुछ डिवाइस में ये रिबूट भी मांगेगा, यानी कि आपका स्मार्टफोन एक बार रिस्टार्ट भी होगा, और कई सारे केस में नहीं भी होता है, ठीक है। तो मेरे डिवाइस में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने डिफॉल्ट पे क्लिक किया, मेरे पूरे फोन के जो फॉन्ट है वो वापस डिफॉल्ट हो गए। और यहां पर आपको काफी लंबा चौड़ा कलेक्शन भी मिल जाता है फॉन्ट का, तो आप देख लो आपको कौन सा कलरफुल फॉन्ट लगाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों को जो नए फॉन्ट अपने स्मार्टफोन में लगाते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।